इस वीडियो में पाइप्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। उस सबसे पहले यूज केस को समझेंगे। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे न्यू डेट जो रिटर्न कर रहा है वेरिएबल में, टुडे वेरिएबल में जो रिटर्न कर रहा है आउटपुट वो है SUN JUN 27 2021 समथिंग लाइक डैट। इस टाइप के जो है टाइम स्टैम्प है उसको रिटर्न कर रहा है। तो कोई भी बंदा इस फॉर्मेट में तो डेट को शो नहीं कराता है, वो कैसे शो कराएगा? तो वो शो कराएगा इसमें डेट होना चाहिए, मंथ होना चाहिए, ईयर होना चाहिए। तो मान लीजिए कि आपके एप्लीकेशन में कई जगह पे आपको जो है इसी फॉर्मेट में शो कराना है डेट मंथ और ईयर। ये इतना कम्प्लेक्स और इतना सारा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, यूजर को इतना नहीं दिखाते हैं डेट टाइम टाइम स्टैम्प। तो इस केस में क्या करेंगे? तो इस केस में आपको इस समस्या का समाधान करने के लिए जो ये वेरिएबल है टुडे, ये तो मान लीजिए कि डेट का फॉर्मेट है, मैं आपको दिखा दिया न्यू डेट यूज करके। बट सपोज़ कीजिए कि API के थ्रू एक एरे फॉर्मेट में, एक जेसन फॉर्मेट में डेटा आ रहा है जिसमें इस टाइप का डेट आ रहा है, और इस टाइप के डेट को आप ng फॉर लूप चलाकर यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, डेट के डिटेल को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए कि आपको इस फॉर्मेट में डेट आ रहा है बैकएंड से, इस फॉर्मेट में डेट आप नहीं शो कराना चाहते यूज़र को, जाहिर सी बात है कौन ऐसे इस फॉर्मेट में, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में, हालांकि इसमें सारा इन्फॉर्मेशन ज़रूर है डेट टाइम और वेरियस चीज़ें, बट कोई इसको ऐसे नहीं दिखाता है। उसको आप अपने अकॉर्डिंग जिस फॉर्मेट में आप दिखाना चाहते हैं, यूजर को जो फॉर्मेट पसंद है उसको दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए हम लोग पाइप यूज करते हैं। तो अगर पाइप नहीं होता तो क्या होता? पाइप नहीं होता तो आप क्या करते कि अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे शो कराने के लिए आप यहाँ पे कोड करते। तो उस कोड में क्या करते, तो आप जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए इसमें से, लाइक आज का डेट चाहिए तो 27 मिल गया, ईयर चाहिए तो वो मिल गया, मंथ चाहिए तो मंथ मिल गया, वो सारा इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके कॉन्कैट करके उसके बाद यहाँ पे शो कराएंगे। आप अपने फॉर्मेट में इसको अपडेट करके चेंज करके उसके बाद शो कराएंगे। तो मान लीजिए कि एक बहुत ही बड़ा सा जेसन फाइल आ रहा है, तो उस जेसन फाइल को कन्वर्ट कराना, उसके लिए दूसरा एक एरे क्रिएट करना, दूसरा जेसन क्रिएट करना जिसमें जो डेटा आप शो करा रहे हैं यूजर को उसी फॉर्मेट में होना चाहिए, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उस जेसन को देन उसको आप लूप चला के डिस्प्ले कराएंगे। तो उस केस में जो है बहुत ही ये टीडियस टास्क हो जाता है। तो उसका सॉल्यूशन है पाइप, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लॉजिक आप नहीं लिख सकते। ओके, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज करके वैल्यू को डिस्प्ले तो करा सकते हैं एंगुलर में, जो HTML में, बट यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स लॉजिक जावास्क्रिप्ट का नहीं लिख सकते, इसीलिए जो है आपको पाइप्स यूज करने की आवश्यकता है। तो एंगुलर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है पाइप्स, जिस फैसिलिटी के थ्रू आप जिस फॉर्मेट में डिस्प्ले कराना चाहते हैं किसी भी वैल्यू को, आप उस फॉर्मेट में शो करा सकते हैं। तो ये तो डेट का मैं एग्जांपल दिया। ओके, इन केस ऑफ डेट आप अपने फॉर्मेट में शो कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। तो एंगुलर जो है कुछ ऐसे पाइप्स होते हैं जो प्री बिल्ड आपके काम को आसान बनाने के लिए खुद ब खुद क्रिएट कर दिया है, क्योंकि एंगुलर को पता है कि ऐसे पाइप्स जो है हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में इस्तेमाल होते ही होते हैं एक एप्लीकेशन में, लाइक डेट से रिलेटेड। डेट का फॉर्मेट कैसा होगा आप डिसाइड करेंगे, तो इसके लिए तो कुछ व्यवस्था होना चाहिए। तो एंगुलर आउट ऑफ द बॉक्स आपके लिए पाइप बनाकर दे दिया है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक पाइप यूज करेंगे, एक लाइन यूज करेंगे, और जो पाइप है पाइप का नेम है डेट, डेट यहाँ पर डालेंगे। तो जैसे ही डेट आपने डाला, देख सकते हैं डेट का फॉर्मेट यहाँ पर आ गया जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है। तो आप किस फॉर्मेट में चाहते हैं उसके लिए आप जो है यहाँ पे आर्गुमेंट पास करेंगे। तो जस्ट कॉलन आप दिए, कॉलन देने के बाद आप यहाँ पे लाइक यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर में आप पास कर देंगे, सबसे पहले डे होना चाहिए तो डी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एंड देन स्लैश मंथ होना चाहिए तो एम लिख देता हूँ, फिर स्लैश, देन ईयर होना चाहिए तो वाई लिख देता हूँ। तो देखिए अब जो यहाँ पर रिटर्न हो रहा है, ओके, अब यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है ये यहाँ पे ऐसे मैं दूंगा 2021। तो अब इस फॉर्मेट में रिटर्न हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मेट डिसाइड किया, फॉर्मेट बता दिया एंगुलर को, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। नहीं होता तो क्या होता, नहीं होता तो क्या होता कि पूरे जेसन को, पूरे जेसन फाइल को आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि API से एक जेसन फॉर्मेट आता है। आप मान लीजिए फॉर लूप वगैरह चला के डिस्प्ले करा रहे हैं, तो आप आइदर जेसन फॉर्मेट जेसन को ही चेंज करके दूसरे वेरिएबल में स्टोर करेंगे विद प्रॉपर डेटा जो आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करते,
फंक्शन का जो आउटपुट आता वो यहाँ पे डिस्प्ले करते, तो ये बहुत ही टीडियस टास्क है। इस टाइप से आप अपने रिक्वायरमेंट को बड़े आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो सिंपल आप समझ गए, यहाँ पे कम्प्लेक्स लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉजिक ऐसे भी लिख नहीं पाएंगे, बहुत ही कम्प्लेक्स होता है। टर्नरी ऑपरेटर तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट कम्प्लेक्स फंक्शंस और जो भी यहाँ पे लॉजिक्स हैं वो आप नहीं लिख सकते, तो आपको पाइप यूज करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप अपने फॉर्मेट में यहाँ पे आप शो कराना चाहते हैं तो शो करा सकते हैं। तो ये तो हो गया कि क्योंकि डेट जो है अवेलेबल था। ओके, मैं जाता हूँ एंगुलर के डॉक्यूमेंटेशन में। एंगुलर के डॉक्यूमेंटेशन में क्विकली अगर आप देखेंगे तो जो एंगुलर प्रोवाइड किया करता है, देख सकते हैं डेट पाइप है, अपर केस पाइप है, लोअर केस पाइप है। लाइक जो भी वैल्यू आप डिस्प्ले करा रहे हैं उस सारे वैल्यू को अगर लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देन करेंसी पाइप है, करेंसी में मान लीजिए कि रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रुपीज़ में आर लिखा हुआ आएगा, डॉलर में डॉलर का साइन लिखा हुआ आएगा। ओके, डेसिमल में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, डेसिमल का किस पॉइंट, मान लीजिए कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, तो 2 डिजिट करने के लिए आप जो है एक पाइप यूज कर लेंगे, और बेस्ड ऑन आप जो भी पैरामीटर पास करेंगे, जो आर्गूमेंट पास करेंगे, उस टाइप से आपको रिटर्न मिल जाएगा, उस टाइप से आउटपुट देखने को मिल जाएगा। डॉम में वही रेंडर होगा, उसी टाइप से परसेंटेज पाइप। तो ये जो पाइप्स है जो एंगुलर प्रोवाइड करता है, क्योंकि ऐसे जो बेसिक्स होते हैं वो हर एक एप्लीकेशन में चाहिए ही चाहिए, तो इसीलिए ये यहाँ पे आप ऐसे इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। ओके, बट ऐसे पाइप्स हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग, जो पाइप्स अवेलेबल नहीं है, एंगुलर नहीं प्रोवाइड करता है, उसके लिए कस्टम पाइप क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको ng g फॉर जनरेट। ओके, जैसे आप कंपोनेंट जनरेट करते हैं, सर्विसेज जनरेट करते हैं, मॉड्यूल जनरेट करते हैं, उसी टाइप से आप पाइप्स भी जनरेट कर सकते हैं। कमांड ऑलमोस्ट सिमिलर है, यहाँ पे ng g फॉर जनरेट या फिर टोटल g n e r जनरेट लिख सकते हैं। उसके बाद पाइप का नेम, पाइप लिखेंगे देन पाइप का नेम, जनरेट क्या जनरेट करना चाहते हैं तो वो दिखाएंगे। तो सिंस आप यहाँ पे पाइप जनरेट करना चाहते हैं इसीलिए PIPE लिखेंगे, एंड देन पाइप का नेम क्या होगा आप वो डिसाइड करेंगे और वो नेम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, दैट्स इट। तो यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि उसके बाद क्रिएटेड एक पाथ दिखाई दे रहा होगा कि इस पाथ में हमारा पाइप जनरेट हो गया, एक टेस्टिंग के लिए, और एक पाइप जिसमें आप लॉजिक लिखेंगे, और दूसरा अपडेट हुआ है ऐप मॉड्यूल में। क्योंकि केवल पाइप जनरेट कर देने से एंगुलर को आपको नहीं पता चले, एंगुलर को पता कराना पड़ेगा कि मैंने एक पाइप बनाया हूँ कस्टम पाइप, उसको आप रजिस्टर कर लो। तो उसके लिए ऐप मॉड्यूल में इसका इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब एंगुलर पाइप को एक्सेस कर पाएगा। अदरवाइज वो केवल पाइप का फाइल बना लेने से एंगुलर को नहीं पता चलेगा। तो ऐप मॉड्यूल में जाकर जो भी कंपोनेंट होते हैं, डायरेक्टिव होते हैं, पाइप्स होते हैं, उसको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है। तो सिंपली आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करने के बाद आप डिक्लेरेशन में इसको यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, दैट्स इट। देन आपको क्या करना है, जो पाइप में लॉजिक लिखना है, आप xyz.pipes.ts में गए, यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि इंप्लीमेंट किया गया है पाइप ट्रांसफॉर्म। ये एंगुलर कोर लाइब्रेरी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद इस फंक्शन में कुछ रिटर्न हो रहा है, जो भी रिटर्न होगा तो जो वैल्यू के ऊपर आप जो है पाइप इस्तेमाल करेंगे उसका वैल्यू ट्रांसफॉर्म होगा, जो यहाँ पे रिटर्न करेंगे वो वैल्यू से कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल है। इस केस में आप नोटिस कर रहे हैं कि एक पाइप हमने क्रिएट किया था पैरन, ठीक है। अब यहाँ पे पैरन पाइप में जाएंगे और यहाँ पे लॉजिक लिखा हुआ है, तो इस पैरन पाइप को यूज कैसे करेंगे, तो सिंपल है। आप यहाँ पे जिस भी वैल्यू के ऊपर, सपोज एट नेम, ये नेम वेरिएबल है, इसका इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन होगा, तो इसका वैल्यू यहाँ पे रेंडर होगा। तो आप पैरन यहाँ पे लिखते हैं, पाइप इस्तेमाल करते हैं, तो इसका वैल्यू ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो मान लीजिए कि आप जो है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इसको रैप करना चाहते हैं, तो आप जो है इस पाइप को इस्तेमाल करेंगे, रैप हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे फाल्स, तो कॉलन वैल्यू फाल्स, अगर फाल्स पास करेंगे तो ये जो वैल्यू होना चाहिए वो हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये हो जाएगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ओके, और एक और मान लीजिए कि पाइप है, अगर यहाँ पे उस पाइप में मैं एक वेरिएबल यूज कर लेता हूँ, वेरिएबल लेट से नेम वन यूज कर लेता हूँ, नेम वन यूज मैं करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पे केवल पैरेंट मैं यहाँ पे दे दूंगा। नाउ नाउ क्या होगा, मैं यहाँ पे पाइप में जाऊँगा और पाइप में पहले मैं लॉजिक आपको समझाता हूँ। तो उससे पहले आपको कंपोनेंट में जाकर मैं नेम वन में मुझे देना चाहिए, तो मैं नेम वन दे देता हूँ, तो नेम वन मैं यहाँ पे दे देता हूँ।
वन सेकेंड, और यहाँ पे वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगा, तो मैं वैल्यू को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, दैट्स इट। नाउ यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, उसको आप अच्छे से समझिए। नेम वन में वैल्यू कुछ भी नहीं है, और नेम वन यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे मैं यहाँ पे पैरेंट दिया हुआ हूँ, राइट। ये हमारा डिव है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला आउटपुट शो किया है फर्स्ट लाइन वाले डिव का, दूसरा सेकेंड वाले लाइन ऑफ डिव का, एंड तीसरा इसका जो है वैल्यू यहाँ पे रेंडर नहीं दिख रहा होगा, तो उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे वन दे देता हूँ, ठीक है। वन दे दिया तो देखिए वन यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, एंड देन ये वाला लाइन फोर लाइन का यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं कस्टम पाइप यहाँ पे मैं डिक्लेयर किया, तो कस्टम पाइप का क्या नाम है, पैरेंट। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं ये नेम कैसे पता चलेगा कि ये नेम क्या होना चाहिए, तो जब आप पाइप क्रिएट करेंगे तो नेम यहाँ पे है, नेम में यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो ये आपका सिलेक्टर हो गया, इसी नेम पाइप का नेम इस्तेमाल करेंगे जो आपने बनाया था। मेक श्योर कि ऐसा नेम प्रोवाइड मत कीजिए जो एंगुलर ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, ओके। ऐसा नेम प्रोवाइड करेंगे तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि पाइप एंगुलर कोड लाइब्रेरी से पाइप और पाइप ट्रांसफॉर्म इंपोर्ट किया गया है, इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया पाइप ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके एक मेथड को कॉल किया गया है। इस मेथड में जो पहला आर्गुमेंट है वो है वैल्यू, ओके। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ क्या क्या वैल्यू लेता है। पहला होगा वैल्यू, जिस वैल्यू के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो पहला आर्गुमेंट आपको उससे मिल जाएगा, दूसरा आर्गुमेंट्स, ओके। आर्गुमेंट्स मीन्स हेयर इट इज अ पैरामीटर, तो जो कुछ भी आर्गुमेंट एज अ आर्गुमेंट आप पास कर रहे हैं उसको भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं वैल्यू हो गया, जिस जो वैल्यू जिसको आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग शो कराना चाहते हैं, तो वो वैल्यू आपको चाहिए लॉजिक लिखने के लिए। देन यहाँ पे पैरामीटर, तो कॉलन लेके पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो इन दोनों को प्राप्त करने के लिए आप जो है यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट, एंड सेकेंड आर्गुमेंट में यहाँ पे जो आप पाइप का वैल्यू पास किए हुए थे, जो आर्गुमेंट पास किए हुए थे, वो आर्गुमेंट यहाँ पे ए आर जी से के थ्रू आप ले लेंगे। तो यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने कंसोल लॉक किया वैल्यू, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे एंगुलर 12 यहाँ पे करके शो कर रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ट्रांसफॉर्म, ताकि पता चलेगा। मैं कुछ भी ऐसे लिख दिया तो देख सकते हैं TRAN, मैं जो भी यहाँ पे दिया इसे ये पता चल गया कि यही वाला कंसोल हो रहा है। तो यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि ये कंसोल यहाँ पे एंगुलर 12 करके हुआ और इसका वैल्यू हुआ। तो वैल्यू जो कुछ भी मैंने यहाँ पे पास किया था, तो नेम का वैल्यू क्या था, तो नेम वेरिएबल में देखिए एंगुलर 12 था, तो एंगुलर 12 हमको पाइप में मिल गया, तो पाइप में उसका वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है आपको, राइट। अब उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, अपना लॉजिक लिखेंगे। तो लॉजिक क्या है कि वैल्यू, अगर वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगा तो रिटर्न करेगा नल। तो देख सकते हैं वन यहाँ पे रिटर्न किया है, वन के केस में वैल्यू कुछ भी नहीं था। देखिए नेम वन के पास भी मैंने यूज किया हुआ हूँ, यहाँ पे पैरेंट करके अपना कस्टम पाइप यूज किया हुआ हूँ, बट यहाँ पे नेम का वैल्यू कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा है। वाई, क्योंकि यहाँ पे नल है। हमारा लॉजिक क्या है कि अगर नल अगर मैं प्रोवाइड करूंगा तो रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, वैल्यू भी नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे रिटर्न नहीं कर रहा है, राइट। और अगर मैं आर्गुमेंट पास करूंगा एज अ कुछ भी, मैं मान लीजिए आर्गुमेंट पास करूंगा, आर्गुमेंट मान लीजिए कि बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होता है, अगर मैं फॉल्स अगर पास करूंगा तो देख सकते हैं यहाँ पे पैरेंथेसिस यहाँ पे फॉल्स पास किया गया है सेकेंड लाइन में, तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, मैं आइदर कुछ भी नहीं डालूंगा तो ट्रू हो गया ऑटोमेटिकली, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे लॉजिक में लिखा हुआ हूँ कि ए आर जी ट्रू, और अगर मैं फॉल्स पास करूँगा तो ये फॉल्स यहाँ पे रिसीव हो जाएगा आर्गुमेंट में। तो ये आर्गुमेंट में ए आर जी में आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कुछ रिटर्न किया गया है, जो कुछ भी रिटर्न होगा वही यहाँ पे डिस्प्ले होगा। याद रखिएगा रिटर्न जो कुछ भी ट्रांसफॉर्म मेथड के थ्रू ट्रांसफॉर्म मेथड से रिटर्न कर रहे हैं वही यहाँ पे आउटपुट होगा। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे ट्रू होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉनकैट हो रहा है, क्या कॉनकैट हो रहा है, तो ये देखिए स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे कॉनकैट हो रहा है, राइट। ये कॉनकैट होके वैल्यू यहाँ पे वैल्यू के साथ ये कॉनकैट हो रहा है और रैप कर रहे हैं स्मॉल ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को रैप कर रहे हैं थ्रू कॉनकैट करके, और उसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ और वही आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है। सिंपल सी बात है, इसके जगह पे आप कुछ और भी शो कर दीजिए, सपोज दैट मैं VVV शो कर दिया, देखिए VVV यहाँ पे चेंज हो गया, तो जो कुछ भी यहाँ पे रिटर्न करेंगे उसका आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलेगा, सिंपल है,
राइट। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो यहाँ पे रिटर्न कर देगा, रिटर्न कर देगा तो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अदरवाइज ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, अगर ये ट्रू नहीं हुआ, अगर फॉल्स में रिटर्न कर दिया तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस से रैप होकर रिटर्न होगा, क्योंकि हमने ऐसा लॉजिक लिखा है। लॉजिक में कॉन्कैट में कर रहा हूँ वैल्यू के साथ, ये कर्ली ब्रेसेस, इसीलिए कर्ली ब्रेसेस के साथ यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं कि ये रिटर्न कर रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि इस केस में मैंने वैल्यू को फॉल्स यहाँ पे भेजा हूँ। तो कोई भी आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली पाइप में वैल्यू को आप रिसीव करेंगे और आर्गुमेंट को रिसीव करेंगे, राइट। और इन दोनों के आधार पे आप जो कुछ भी आउटपुट यहाँ पे रिटर्न करेंगे थ्रू दिस पाइप, उसका वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा। तो आप क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि आप API कॉल करके वैल्यू को आप ला रहे हैं, राइट। API कॉल कर रहे होंगे, API कॉल करके वैल्यू को आप गेट कर रहे हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि वो JSON फॉर्मेट में आता है और NG फॉर लूप लगाकर उसको एक एक करके डिस्प्ले करते हैं। तो मान लीजिए कि डिस्प्ले करते दौरान ऐसा वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं जिसका फॉर्मेट चाहिए ही नहीं, उसका फॉर्मेट कुछ अलग होना चाहिए, तो उसको उसके लिए क्या करेंगे? JavaScript का कोड तो यहाँ पे नहीं लिख सकते, HTML में तो JavaScript का कोड नहीं लिख सकते। तो उसको सही से प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो रिटर्न आ रहा है, जो API से रिटर्न आ रहा है, उस वेरिएबल को जो है ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा आपके अकॉर्डिंग, जो आप यूज़र को शो कराना चाहते हैं, और उसको अनदर वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं आप, जो JSON डेटा आपको मिला API के रिस्पॉन्स से, उस डेटा को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग एंड देन उसको शो कराएंगे। तो ये जो ट्रांसफॉर्म करने की प्रक्रिया है ये बहुत टेडियस होता है, उसके लिए कुछ लाइन्स ऑफ कोड लिखे जाते हैं जो कि कम्प्लेक्स हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। तो ये कम्प्लेक्स ना बने इसके लिए आप जो है पाइप यूज करेंगे। तो जो पाइप एंगुलर के द्वारा बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड किया जाता है, अगर वो अवेलेबल है तो यूज कर लीजिए, वो अवेलेबल नहीं है और डिजायर आउटपुट को आप शो कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पाइप यूज करना पड़ेगा, राइट। तो लाइन्स, बहुत सारे लाइन्स ऑफ कोड यहाँ पे लिख कर, लॉजिक लिख कर किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करके देन यहाँ पे आप शो कराएंगे, या फिर मान लीजिए कि एक एरे फॉर्मेट में कोई लॉट्स ऑफ डेटा है तो उस JSON फॉर्मेट में डेटा है तो उस JSON फॉर्मेट को कन्वर्ट करेंगे, जो आप दिखाना चाहते हैं उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, डिजायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, देन जो है आप उसको यहाँ पे यूज करेंगे। और कन्वर्ट करते दौरान बहुत सारे कोड लिखेंगे तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं थ्रू दिस पाइप, ओके। तो उसके लिए आप पाइप बना दीजिए और एंगुलर एप्लीकेशन में जहाँ कहीं भी आप उस फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं, अपने रिक्वायर्ड फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं, तो उस पाइप को यूज कर लीजिए जो कस्टम पाइप आपने क्रिएट किया हुआ है। तो अगर एंगुलर के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ पाइप है तो डैट्स गुड, अगर नहीं है तो आप खुद का बना लीजिए और डिजायर्ड आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले करा दीजिए। अगर दोबारा सेम टाइप का आउटपुट डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है, एक पाइप आपने बना दिया, एक बार बना दिया, उसके बाद कई जगह पे एप्लीकेशन में कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो है ना ये कमाल की बात, ओके। इस प्रकार से आप जो है पाइप का इस्तेमाल करके अपने रिक्वायर्ड डेटा को, रिक्वायर्ड आउटपुट को डिस्प्ले करा सकते हैं डॉम में, यूजर इंटरफेस में। तो ये पाइप्स का ग्रेटेस्ट एडवांटेज है जो कि सुपर डुपर एंगुलर के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ फीचर है, जो कि इस फीचर का इस्तेमाल करके कोई भी बड़ा से बड़ा एप्लीकेशन भी इजीली आप डेवलप कर सकते हैं कम टाइम में, और कोड कम्प्लेक्सिटी को भी ज़्यादा बिना बढ़ाए हुए इजीली आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, डाउट हो रहा है पाइप से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछिए, राइट। उसके बाद अगर कोई कोर्स करना है, अगर आप मुझसे ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट नहीं करना है आपको, टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन हो जाना है, वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल, हैव अ नाइस डे।